नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। गर्मा गर्मी बढ़ गई है। जी हाँ, कहाँ बढ़ी है ये तो आप सभी को मालूम है वाराणसी में, क्योंकि पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर अरविंद केजरीवाल। तो गंगा के किनारे बसे वाराणसी में चल रही सियासी हवाएं गर्म हो गई है। थोड़ी ही देर पहले अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर उनके साथ समर्थकों का बड़ा हुजूम था। केजरीवाल दोपहर में रैली करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मोदी के खिलाफ लड़ना चाहिए या नहीं। तीन तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर शिवगंगा एक्सप्रेस से जब उतरे अरविंद केजरीवाल कुछ समय पहले बनारस की धरती पर, तो वहां पर किस तरह से गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हो रहा है। हालांकि आपको बता दें, इसमें ज्यादा संख्या जो है उन लोगों की है जो कि या तो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं या फिर कार्यकर्ता वॉलंटियर्स हैं, वो यहाँ पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि गंगा की लहरें जिसको छूकर, जिसको प्रणाम कर यहाँ चुनावी घमासान की शुरुआत करेंगे, तैयारी करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो ये तस्वीरें उस वक्त की शिवगंगा एक्सप्रेस से पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल यहाँ पर। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि मन में कई सवाल खुद अरविंद केजरीवाल के भी हैं और उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पहुंचे हैं काशी नगरी में अरविंद केजरीवाल। रोड शो करने वाले हैं, साथ ही साथ आज दोपहर में रैली भी करेंगे बेनियाबाग मैदान में। अब देखना होगा कि जनता क्या कहती है और अरविंद केजरीवाल क्या समझते हैं, क्योंकि सीधे टक्कर है नरेंद्र मोदी से। सबसे कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल पहुंचे बनारस की धरती पर और यहां पर गर्मजोशी के साथ उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया। निकल चुके हैं अपने चुनावी घमासान में अरविंद केजरीवाल, रैली करेंगे, रोड शो करेंगे इनके कार्यकर्ता। हालांकि आपको हम बता दें, बनारस में पहले से ही कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बताया जा रहा है लगभग 350 इनके लोग, आम आदमी पार्टी के लोग पहले से ही बनारस में हैं और एक तरह से कहे कि हवा बनाने की पूरी तरह से कोशिश अरविंद केजरीवाल के लिए, ताकि जब अरविंद केजरीवाल बनारस की धरती पर पहुंचे तो जनता उनके पक्ष में नजर आए। मेरा भी